दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका साइज 20x20 है। 20x20 फीट में हाउस प्लान किया है। हालांकि यहाँ पर जो साइज़ है बहुत ही कम है, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन प्लान देखने को मिलेगा। फिर विलेज या सिटी कहीं पर भी इस प्लान को बनवा सकते हैं, और लो कॉस्ट है क्योंकि ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिजाइनिंग नहीं की। हाँ, कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी, बस इन्हीं को देखते हुए आपको मैंने प्लान डिज़ाइन किया है। और बहुत ही बेहतरीन प्लान ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो लगातार कमेंट कर रहे थे सर 20x20 का एक हाउस प्लान चाहिए, तो उन्हीं के कहने पर मॉडल को डिज़ाइन किया है। ये टू साइड दोस्तों ओपन है, आप देख पा रहे होंगे टू साइड ओपन है और टू साइड क्लोज्ड है। तो इस मॉडल को डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक इस स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। अब हम आपसे एक अनाउंसमेंट भी करना चाहते हैं जो लगातार मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आप अगर हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैंने दोस्तों एक पेड सर्विस स्टार्ट की है, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, आपसे मैं बात करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ जो भी आप चाहते हैं। आपका सपोज दैट 20x50 का हाउस है, प्लॉट है, और आप चाहते हो उसमें घर बनवाना, तो मैं उसके लिए पेड सर्विस यूज़ करता हूँ जहाँ पर आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50 बाद में। तो लेकिन पेमेंट आप तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए। इसके बाद आपका जो 2D प्लान होता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ, इसके बाद 3D प्रोवाइड करता हूँ। तो ये आप हमें पेड सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का जो मॉडल है उसको दिखाते हैं हम आपको जूम करके। सबसे पहले तो जूम करके दिखाते हैं तो आपको रियलिस्टिक व्यू इसका देखने को मिलेगा, रेलिंग वगैरह का देखिएगा ऊपर की हम रेलिंग की बात करें वो, और ये आपका जो डिज़ाइन है ये आप देख पा रहे होंगे। जूम करके थोड़ा प्रॉपर तरीके से आपको देखने को मिलता है। ये दोस्तों जो ग्रीन कलर का आपका ट्री दिख रहा है, इस ट्री को मैं रिमूव कर दूंगा, हालांकि अभी इसके बाद और प्रॉपर तरीके से आप इस मॉडल को देख पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे ट्री रिमूव किया, अब आपको और मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ चीज़ों को, रियलिस्टिक व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। ये रेलिंग का जो आपका प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन है और ये वगैरह देख पा रहे होंगे। तो अब हम बात करें अगर इसके ग्राउंड फ्लोर की, तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है जहाँ पर आपको स्टेयर्स के माध्यम से एक बारंदा मिलता है, लगभग वही 20x20 आपका ये एरिया है टोटल। तो इसको मैंने चार पोर्शन में डिवाइड किया है, आप देख सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, एक 10x10 का ये अप्रॉक्स में, क्योंकि दीवारें भी इसमें इंक्लूड होंगी, वो हटाने के बाद 10x10 का ये एरिया है, 10x10 का ये है, और टोटल 10x20 का पीछे बचता है जिसमें आपका किचन लेट एंड बाथ मैंने डिज़ाइन किया है, और ये स्टेयर्स भी डिज़ाइन की जिससे आप ऊपर जाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो आपको एक बेडरूम मिलता है, बड़ा सा किचन लेट एंड बाथ स्टेयर्स मिलती हैं, और ये आपका हॉल भी मिल जाता है यहीं पर, और एक बेहतरीन सा बारंदा जो कि आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक देता है देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास फोर व्हीलर बाइक है, हालांकि 10x10 में बहुत ही मुमकिन नहीं होता फोर व्हीलर खड़ा करना, फिर भी आप एडजस्ट करके छोटा अपना जो फोर व्हीलर होता है वो खड़ी कर सकते हैं, बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं। आगे मैंने थोड़ा सा ग्रीन एरिया ये एक्स्ट्रा है 20x20 के अलावा ये मैंने क्रिएट किया है। ये पूरा आप मॉडल ग्राउंड फ्लोर में देख पा रहे होंगे। ये दोस्तों डिजाइनिंग के पर्पज़ से दो पिलर जो ब्लैक कलर के आप देख रहे हैं, डिजाइनिंग के पर्पज़ से ये विंडो आपका नॉर्मल सा है, इधर भी विंडो और आपका डोर, और इधर भी एक विंडो डोर, ये विंडो डोर आपका जाता है इस बेडरूम में, और ये विंडो है आपका किचन से अटैच्ड, और ये डोर आपको ले जाता है हॉल में जिसके माध्यम से आप लेट एंड बाथ और स्टेयर्स वगैरह आप यूज कर पाएंगे, और उसी से आप अपना बाथरूम भी, सॉरी किचन भी यूज कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला जो बाहर वाला बेडरूम है इसके लिए भी आप डोर यहाँ से लगा सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर शो नहीं दिया है। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये आपका जो एक डिज़ाइन दिख रहा है ये 7 फिट पे अप्रॉक्स का प्लायर का डिज़ाइन जो गांव में आपने देखा होगा बेहतरीन सा देखने मिलता है वो मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर है जिसमें कि मैंने बिल्कुल सेम टू सेम वही चीज़ें क्रिएट की, जो किचन था उसे हटाकर लेट एंड बाथ हटाकर एक बेडरूम कॉर्नर पर और क्रिएट कर दिया है। कुल मिला के आपको कॉर्नर पर दो बेडरूम मिल जाते हैं, ये एक हॉल जहाँ से स्टेयर्स है, और ये आपका एक बेहतरीन सा बालकनी, आपका जो बारंदा था उसको मैंने बालकनी में कन्वर्ट कर दिया है जो आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक देता है, और स्टाइलिश सी रेलिंग वगैरह बना दी है, और ये पिलर है दोस्तों, पिलर पर जो ब्लैक कलर के आप राउंड रेक्टेंगल देख रहे हैं ये डिजाइनिंग के पर्पज़ से चीज़ें क्रिएट की हैं। अगर हम विंडो की बात करें तो वही जो नीचे पिलर व्हाइट वाले ब्लैक वाले थे वो ऊपर मैंने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और ये आपका विंडो, और ये आपको पूरा एक प्रॉपर तरीके से बना दी है चीज़, और ये आपका एक छत बनाया है दोस्तों जो कि डिजाइनिंग के पर्पज़ से है ये पूरा मॉडल। तो 20x20 का ये बेस प्लान। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ऊपर 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री, कॉर्नर पर जो आपकी स्टेयर्स थी उसको ढकने के लिए गुमटी मैंने क्रिएट की है। तो और यहाँ पर कुछ खासा मैंने डिज़ाइन नहीं किया है पूरा प्लान में, लेकिन फिर भी बेस्ट प्लान 20x20 में है।
ये मॉडल आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस मॉडल को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट स्मॉल हाउस प्लान पर जाकर परचेज कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये अगर और कोई आप पेड सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस इस्तेमाल करें, कॉन्टेक्ट करें, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मॉडल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।